बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। देश की संसद भवन में भी बाबा साहेब अंबेडकर जी के अथक प्रयासों से किए गए अतुल्य योगदान के याद करते हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित देश के तमाम नेताओं ने उन्हें याद किया। संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान पर तमाम नेता यहां पर पहुंचे। उन्होंने आपको बता दें कि बारी बारी बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन और अर्पित किए और माल्यार्पण भी किए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बाबा साहब अम्बेडकर जी को माल्यार्पण कर रहे हैं, साथ ही आपको बता दें कि पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके बाद आपको बता दें कि वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री सहित तमाम देश के नेता यहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा रामदास आठवले, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल सहित देश के आला नेता भी यहां पर मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि देश के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया जा रहा। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, अखिलेश यादव सहित तमाम नेताओं ने अपने पार्टी कार्यालयों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया। वहीं आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं ने भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा किए गए अतुल्य योगदान को याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता ने देश को एक अग्रणी राह दिखाई है। रामनाथ कोविंद ने भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करते हुए कहा कि